तो सबसे पहली चीज क्या है, दलित्स और अनटचेबल्स इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया. दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू एंड दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू. ये जो मूवमेंट में ऐसा हुआ तो गांधी जी ने एक बात कही थी कि अगले 100 साल तक, इफ नेक्स्ट 100 ईयर्स में ये सेम चीज चलती रही, तो अगर अनटचेबल्स हैं, हरिजन जिनको नाम दिया गया था, इन्होंने अगर मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया तो इंडिया को इंडिपेंडेंस नेक्स्ट 100 ईयर्स तक नहीं मिलने वाली. ये आपकी बुक में दिया गया, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया गया. इन्होंने क्या डिमांड की थी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. अब हुआ ऐसा कि उस दौर में जब नए सीएम बने, तो पीएम बने इंग्लैंड में, तो उन्होंने लगा कि यार मूवमेंट जो है ना बड़ी स्ट्रांग हो रही है, लोग एक हो रहे हैं. तो पहले आपको याद होगा 1905 में एक बंदा हुआ करता था कर्जन नाम का, उसने बंगाल को पार्टिसिपेट करा, सॉरी डिफ्रेंशिएशन किया था बेस्ड ऑन हिंदू एंड मुस्लिम्स. सुना होगा पहले, लास्ट क्लासेस में देखा होगा. दैट वॉज द रीज़न कि वहाँ से वहाँ बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट, एंटी सेंटिमेंट, जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बहुत ज़्यादा चली. वो एक रीज़न था कि 1911 में कलकत्ता को छोड़ दिया गया एज ए कैपिटल. पहले कैपिटल कौन था, इंडिया कैपिटल कोलकाता था पहले ब्रिटिश रिजाइन में. 1911 में वहाँ से कोलकाता शिफ्ट कहाँ हो गया, दिल्ली आ गया कैपिटल. वो रीज़न वो था कि वहाँ के लोग बहुत दुखी थे कि जो कर्जन ने किया है हिंदू मुस्लिम्स को, जो डिवाइड किया है, और वही जो डिवाइड हुआ वही बाद में बांग्लादेश और हमारा बंगाल बना. बंगाल में हिंदूज रहते थे, बांग्लादेश में मुस्लिम्स, वो डिवाइड जो किया था. अब यही सेम चीज़ हुआ, क्या हुआ, 1934 में फिर से प्राइम मिनिस्टर गेम खेल गया इंग्लैंड का. उसने अम्बेडकर साहब को बुलाया और बोला, एक काम करते हैं, आप रिजर्वेशन की डिमांड करो. अम्बेडकर साहब को बात सही लगी, बिकॉज वो उस समय दलित लीडर थे. कौन, अम्बेडकर. ओके, तो उन्होंने क्या बोला, अब उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन ना एक तो भी थोड़ा ठीक है, उन्होंने उस मूवमेंट को और आगे बढ़ाते बोला मुझे सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए. हाउ मेनी ऑफ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, सेपरेट इलेक्ट्रेट क्या होता है, सुना है किसी ने, चलो समझा देता हूँ, फिर हम लोग आते हैं पॉइंट पे हमारे. देखो होता ऐसा है, अगर ये हमारा कंट्री है, समझो इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इफ आई गिव यू रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन का मतलब क्या हो जाता है, सपोज दिस इज महाराष्ट्र नाउ. इन महाराष्ट्र इफ यू हैव 100 सीट्स, हाउ मेनी 100 सीट्स आर देयर, उसमें से 30 सीट्स मैंने रिजर्व कर दी फॉर एनी कैटेगरी. इट कैन बी फॉर विथ द सरनेम और एनी कास्ट, एनी क्रीड, वूमन, जेंडर बायस, जो भी चीज़ें करके मैंने उसको क्या कर दिया, 30% को मैंने रिजर्व पे डाल दिया. अब महाराष्ट्र में कुछ एरियाज हैं 100 सीट में से, कोई भी फिक्स एरिया तो होगा नहीं. ये हो सकता है कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं ये इस बार वुमन के लिए रिजर्व हो, नेक्स्ट 5 ईयर्स बाद में रिजर्व ना हो, किसी और के लिए रिजर्व हो, फिक्स है नहीं. ये होता है रिजर्वेशन. दूसरा वर्ड क्या है, सेपरेट इलेक्ट्रेट, मतलब क्या हो जाता है, दैट मीन्स इस एरिया में, ये जो एरिया है इसमें पर्टिकुलर उसी जाति और जनजाति के लोग वोट लड़ेंगे. इसमें मतलब क्या हो गया है, समझो ये मैंने वुमन को दे दिया, तो इस एरिया में सिर्फ हर बार जितनी बार इलेक्शन होगा, सेपरेट इलेक्ट्रेट का मीनिंग बता रहा हूँ, जितनी बार इलेक्शन होगा सिर्फ कौन खड़ा रहेगा इलेक्शन में, वुमन. अगर मैं ये मुस्लिम को दे दूं, मुस्लिम खड़ा रहेगा, हिंदू रहे तो हिंदू खड़ा. अब क्या हो जाएगा, जितने हिंदू यहाँ रहते हैं वो कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे अपने आप को, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही. तो स्लोली स्लोली एक ही स्टेट में बाइफर्केशन होगा कि नहीं होगा, लोग बढ़ जाएंगे. गांधी जी को जब बात पता चली कि अम्बेडकर साहब क्या कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्ट्रेट डिमांड कर रहे हैं, गांधी ने बोला मैं क्या कर रहा हूँ, गांधी एक ही था चीज़, सत्याग्रह, आम मरण अनशन, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा. और गांधी जी को उस समय पे, बिकॉज लाइक ही स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेकेंड टाइम लॉन्च किया था ना, तो ही वॉज सेंट टू ए जेल, आपके बड़े नज़दीक है येरुवाड़ा जेल पुणे में है. ओके, तो वहाँ पर उनको भेज दिया गया था. अम्बेडकर साहब को जब बात पता चली गांधी जी खाना नहीं खा रहे हैं, सेपरेट इलेक्ट्रेट मैंने डिमांड कर दिया है, वो खाना नहीं खा रहे हैं, और गांधी जी की हालत बड़ी ख़राब, आपने देखा है हेल्थ कैसी थी बंदे की, स्टिल बॉडी वाला बंदा है, भले मर वर गया बंदा मेरे पे नाम आ जाना है, सब लोग मुझे जूते मारेंगे. तो ये मिलने चले गांधी जी से, और गांधी जी से डिमांड मान ली कि भाई ठीक है मुझे आप सेपरेट इलेक्ट्रेट मत दो, क्या दे देंगे आप मुझे, रिजर्वेशन दे दो. अच्छा, इसमें बहुत फ़ायदा हुआ अम्बेडकर साहब का, सेपरेट इलेक्ट्रेट में उन्हें सिर्फ अराउंड 30 सीट्स मिल रही थी, रिजर्वेशन कितना सीट मिला उनको, मैं सही नहीं है. तो इस पैक्ट को बोला गया था पूना पैक्ट, स्पेलिंग ऑफ पूना इज POONA, आज की स्पेलिंग नहीं है, याद है. तो हमने दो पैक्ट देख लिए अभी तक, गांधी यूरिन पैक्ट एंड पूना पैक्ट. मेरा पॉइंट क्लियर है, रिजर्वेशन वाला पॉइंट और सेपरेट इलेक्ट्रेट वाला पॉइंट. आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो शायद ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे. आगे बढ़े, लेट्स टॉक अबाउट लिमिटेशंस ऑफ
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हम यही बात कर रहे थे कि जो दलित्स और टचेबल्स थे, दे हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने किस चीज़ की डिमांड कर दी यहाँ पर, है ना, रिजर्वेशन ऑफ सीट एंड सेपरेट। तो गांधी जी एक्सेप्टेड दिस थिंग, चलो रिजर्वेशन ऑफ सीट दे दो बट वी विल नॉट गिव सेपरेट इलेक्टोरेट। ऐसा होता तो इंडिया में दो चार और देश बन जाते हमारे से, पाकिस्तान हमारा ना मुस्लिम देश, तो एक दलित देश बन जाता, और एक क्यों 10-12 ही बन सकते थे, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पीपल। तो अंबेडकर साहब जो थे ना वो क्या थे, लीडर थे। इन्होंने एक क्लास बनाई थी, इन्होंने एसोसिएशन बनाया था 1930 में, नाम क्या दिया याद रखिएगा, डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन। ये वन मास का क्वेश्चन आ सकता है कि डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन किसने बनाया था, डॉक्टर अम्बेडकर, कब बनाया था, 1930 में बनाया था, वन मास का क्वेश्चन हो गया। नंबर टू, उनकी और गांधी जी किस बातें बनी, किस बारे में, सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन। गांधी जी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, वो चाहते ही नहीं थे कि रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ दूं मैं। ओके, गांधी जी ने क्या कर दिया, फास्ट एंड टू डेथ, बोला मैं तो खाना ही नहीं खा रहा, मेरी बात नहीं मानी तो। बट लेटर ऑन फाइनली पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर, एंड इस साइन के हिसाब से क्या हो गया, प्रोविंशियल और सेंट्रल काउंसिल्स, दोनों में फ़र्क है। प्रोविंशियल मतलब स्टेट इलेक्शंस, महाराष्ट्र इज अ स्टेट, इसके जो इलेक्शंस होंगे उसे हम क्या कहेंगे, प्रोविंशियल्स। सेंट्रल मतलब जो एमपी के इलेक्शंस होते हैं आज हमारे पास, लोकसभा राज्यसभा वाले, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल। इसमें वोटों में उन्होंने क्या कर दिया है, रिजर्वेशन को एक्सेप्ट कर लिया गांधी जी, और इसी को बोला गया है पूना पैक्ट। ठीक है, बात खत्म हुई, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, मुस्लिम्स में भी इसमें ध्यान दिया नहीं। मुस्लिम्स ने, इफ़ यू रिमेंबर, फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया था नेशनल रिवॉल्यूशन, दैट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट, तब मुस्लिम्स बड़े साथ में थे। बट जैसे 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया था एट चौरा चौरी की उस इवेंट की वजह से, फिर क्या हुआ, उसके बाद मुस्लिम और हिंदूज आए ही नहीं साथ। 1927-28 तक 5-7 साल एलिनेट रहे, अलग अलग रहे और अपने अपने ग्रुप चलाते रहे, साथ में नहीं आए। तो जब ये वापस स्टार्ट हुआ तो उनको लगा कि शायद हमें फिर से लोग क्या करेंगे, साइड में कर देंगे, एंड दैट वाज द रीज़न कि मुस्लिम्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और इसके पीछे दो रीज़न और भी थे, 1905 में मुस्लिम लीग बन चुकी थी और एक हिंदू महासभा का भी गठबंधन हो चुका था 1922-25 के आसपास। और अब यहाँ क्या हो गया, कांग्रेस जो थी ना ये ज़्यादा क्या कर रही थी, रिलीजियस ग्रुप्स के साथ में अटैच नहीं हो रही थी। रीज़न ऐसा था कि उसमें ना बार बार दंगे हो जा रहे थे, 1922 से लेकर 1927 के आसपास अराउंड 36-37 बार टाइम्स इंडिया में दंगे हुए, वो भी हिंदू मुस्लिम के। उस दौर में बता रहा हूँ मैं आपको, दंगे तो चलो ठीक है आफ्टर इंडिपेंडेंस हो रहे हैं ठीक है, लेकिन वो दौर जहाँ हम लोग साथ में रहते थे, इवन वी आर फाइटिंग फॉर द सेम इंडिपेंडेंस, तो वहाँ पर भी चीज़ देखी गई कि हमें हर लोगों में दंगे हो रहे थे। लीडर ऑफ मुस्लिम कौन थे, एम ए जिन्ना, अब जानते हैं सब लोग, जिन्ना पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट, जिन्होंने डिमांड की थी पाकिस्तान मुझे सेपरेट कंट्री चाहिए, नहीं तो मैं, बाद में हुआ इन चीज़ों को माना नहीं गया 1942, बाद में बहुत सारे लोग इंडिया में आए अलग अलग आइडिया लेके फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बोला जब तक पाकिस्तान देंगे नहीं मैं मान ही नहीं रहा। कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इन्होंने रिजर्वेशन सीट मांगी किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, बोला मुझे भी रिजर्वेशन चाहिए। अब क्या हो गया है भाई, आपने दलित को दे दी, अब दूसरी डिमांड कौन कर रहे हैं, मुस्लिम्स। और आपको पता है इंडिया कितना डाइवर्स है, सब लोग मांगेंगे कि भाई हमको भी दे दो। इस चीज़ को बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया, और सिविल डिसोबीडियंस में ये देखा गया कि मुस्लिम्स जो थे ना वो हिंदू पे सस्पिशियस थे कि शायद, क्योंकि उन्हें एक डाउट था कि चलो ये मूवमेंट हमने कर ली एंड वी गॉट द इंडिपेंडेंस, उसके बाद क्या, तो क्या हमें एक सेपरेट कंट्री मिलेगा, या फिर ब्रिटिश से पहले हुकूमत कौन कर रहा था हिंदुस्तान पे, मुगल्स कर रहे थे, क्या हमको फिर से हमारी पावर मिलेगी। दोनों चीज़ों के लिए कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही थी। ओके, और ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, हिंदूज की, तो मुस्लिम्स में इसमें पार्टिसिपेट किया ही नहीं कि आज़ादी मिली तो ये जाने, नहीं मिली तो ये जाने। सो दलित्स एंड मुस्लिम हैड नॉट पार्टिसिपेटेड एक्टिवली, जो नंबर चाहिए था उस नंबर में पार्टिसिपेट नहीं किया, दैट वॉज द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, चलो पढ़ लो।